नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लगभग समाप्त कर लिया था। दोस्तों, मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, किसी भी टॉपिक का अंत नहीं है, तो इसमें और भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमको पढ़ना चाहिए हम लोगों ने उससे प्लस ही पढ़ा है, माइनस नहीं पढ़ा है। तो लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी ना जो हम लोग पढ़े उससे क्वेश्चन नहीं मिलता है, पूछ लेता है कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसकी गणना कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग दो केस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए केस नंबर फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है कि जब व्हेन मॉलिक्यूल्स आर अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब होगा? अनसिमेट्रिकल का सिंपल सा मतलब ये होगा कि अगर मॉलिक्यूल्स का आप आईपीएससी नेमिंग करते समय, सबसे पहले आप आईपीएससी नेमिंग करेंगे जब, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग आप किस साइड से करेंगे? आईपीएससी नाम लिखते समय आप नंबरिंग करेंगे ओनली फ्रॉम वन साइड। अगर ऐसा होता है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। और अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 2n। कितना आएगा? 2n, वेयर n क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ RRS, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। तो हम लोग इस फार्मूले की मदद से आसानी से टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब मॉलिक्यूल क्या होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। याद रखना, यहाँ पे दो केस पढ़ना होगा। ये केस किसके ऊपर लागू होगा? जब मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या होगा? व्हेन मॉलिक्यूल्स आर, ये अनसिमेट्रिकल का था एग्जाम्पल और ये है सिमेट्रिकल। व्हेन मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा कि हम आईयूपीएससी जब नेमिंग करेंगे और नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग फ्रॉम बोथ साइड। अब नंबरिंग किस साइड से कर सकते हैं? दोनों साइड से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अनसिमेट्रिकल में ओनली वन साइड नंबरिंग करते थे और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग फ्रॉम बोथ साइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा? ये होगा 2n-1 प्लस 2p-1, 2n-1 और प्लस 2p-1, ठीक है। अब देखिए, यहां पर n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ RRS, नंबर ऑफ RRS। और P कैसे निकालेंगे? अब P के लिए देखिए दो केस देख रहे हैं। अगर N ऑड हो, कैसा नंबर आ जाए? N ऑड आ जाए तो P इज इक्वल टू क्या निकलेगा?
एन प्लस वन बाई टू, और यदि एन इवन हो तो पी इज इक्वल टू एन बाई टू। ठीक, इसको आप नोट कीजिए। ये केस फर्स्ट है और केस सेकंड है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, लिखिए आप, जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखिए हमको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो आपको दिया गया है ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल ना, अगर सिमेट्रिकल होगा, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आइसोमर कितना आएगा, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम थ्रू विच ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। ठीक है, और अगर ये अनसिमेट्रिकल आया तो हम लोग क्या टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे, या टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे 2 के पावर n-1 + 2 के पावर p-1, है कि नहीं। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि p की वैल्यू n पर डिपेंड करेगा, n अगर ऑड होगा तो p की वैल्यू आएगी n+1/2, और अगर n इवन होगा तो p की वैल्यू आएगी p/2। ये देखिए, n ऑड है तो p की वैल्यू आया n+1/2, और n अगर इवन है तो आएगा n/2। ठीक, तो हमारा केस कौन सा है, पहला केस है गिवन जो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया गया है ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे, देखिए जब आईयूपीएसी नंबरिंग करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और इधर से नंबरिंग कर, अब यहाँ पर आप देखिए कि डबल बॉन्ड दो नंबर पे आ रहा है और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 3 नंबर पे, तो कौन सा पॉसिबल है, केवल यही सही है, है ना, आप इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। तो RRS कितना हुआ हमारे पास, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम कितना है, ये है हमारे पास 2 RRS, एक ये और एक ये। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आ गई 2, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना हो जाएगा, 2 के पावर n, और n का मान हम लोग रख देंगे 2 के पावर 2, तो ये आ जाएगा 4। यानी कि इस कंपाउंड जो ये कंपाउंड आपको दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, 4 होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब एक सिमेट्रिकल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3, CS डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH, 3 और 2 5 और ये 6 कार्बन का हमारे पास एक एल्कीन दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए 2 RRS हैं, RRS कितने हैं, 2, तो n कितना हुआ, n हुआ 2। लेकिन एक बात आप यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 6 है। ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है कि कहने का मतलब आप नंबरिंग चाहे इधर से करिए
और चाहे इधर से करिए, दोनों का जो नाम आएगा नंबरिंग करने पर सेम आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कौन सा एग्जांपल बना, सिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल में। और जो एन आया, एन की वैल्यू क्या आई है, एन की वैल्यू आई है इवेन, एन की वैल्यू आई है इवेन। तो अगर एन इवेन आया है तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना होगा, ये होगा 2^(n-1)+2^(p-1)। एन तो हमको पता चल गया, लेकिन पी कैसे निकलेगा, पी निकलेगा पी इज इक्वल टू एन बाई टू। ये देखिए, जब एन इवेन होता है तो पी का मान क्या आता है, एन बाई टू। तो एन बाई टू, एन कितना है, एन है 2, तो 2/2, इसका मतलब कितना है, ये पी 1 आ गया। तो आप यहाँ पर रख दीजिए फार्मूले में, तो 2^(n) एन की वैल्यू है 2-1+2^(p) पी का मान कितना आया है 1, तो 1-1, बताइए जरा कितना आया। तो ये आ जाएगा 2^(1)+2^0, तो आएगा 2^1 = 2 और +2^0 = 1, तो आ गया 2+1 = 3। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसका पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना पॉसिबल है, 3। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लगाइए। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। केवल सबसे पहले पहचानना है आपको कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि n यानी कि r r s ऑड है कि इवन है। इतना से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3। देखिए, CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH, C triple bond CH3। चलिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ। मैंने जो बताया आपको उसको ध्यान रखना है कि पहले आपको चेक करना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल ना। तो आप देखिए, इधर पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इधर डबल बॉन्ड लगा है, तो नंबरिंग आप केवल एक ही साइड से कर सकते हैं। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन और डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन। तो अल्फाबेट में इन पहले आएगा, तो ये तो श्योर है कि नंबरिंग आप इसी साइड से करेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केस कौन सा हो गया, ये केस हो गया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का, सिमेट्रिकल का नहीं भाई, ये केस कैस किस कौन सा केस हुआ, ये केस हुआ अनसिमेट्रिकल का ना। जब नंबरिंग एक ही साइड से हो रहा है तो कौन सा केस हुआ, अनसिमेट्रिकल का, ये केस आ गया अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकलेगा, या निकलेगा 2^(n)। अब आपको n चेक करना है कि कितना है ना। तो देखिए, यहाँ पर r r s है, यहाँ पर r r s है, और एक तीसरा r r s है ना। आपको यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना है। ये n क्या है, n केवल टोटल नंबर ऑफ r r s नहीं है, टोटल नंबर ऑफ आर आर एस नहीं है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर आर एस थ्रू विच, थ्रू विच ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। अब एक बात आप बताइए, यहां से तो दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड है, सेम ग्रुप अटैच्ड है। आपको याद होगा कि sp2 कार्बन से दोनों अलग अलग ग्रुप या एटम अटैच होते थे, तभी वह कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता था। यहाँ पे देखिए, दोनों हाइड्रोजन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये जो आरआरएस तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरआरएस नहीं है,
लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये आरआरएस वही हम काउंट करेंगे थ्रू विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। उसके बाद देखिए इन ये भी देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने आपको एल्काइन को बताया था कि एल्काइन हैव आरआरएस बट दे नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे मान लीजिए कि ये CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CCH3 ना, एक ये एल्काइन है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए केवल आरआरएस का होना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ डिफरेंट एरियल डिस्टेंस भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है मान लीजिए L1 है, तो ये हमेशा L1 ही रहेगा या L ही रहेगा, डिस्टेंस नहीं चेंज होता है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एल्काइन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट स्टिल दे हैव आरआरएस। तो ये तो आरआरएस नहीं है, ये तो आरआरएस है लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, तो क्या होगा, हमारे पास कुल कितने ऐसे आरआरएस है जिनके थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ये कितने हैं? ये है केवल और केवल एक, ये वाला ने? तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा, n बराबर कितना है, एक, तो 2 के पावर 1, इसका मतलब ये दो आप आंसर आएगा। इट मींस कि जो कंपाउंड दिया गया है इनका टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा, ये 2 होगा। आई होप कि आप बात को अच्छे समझ पाए होंगे, आप उतार लीजिए और हम लोग अभी पढ़ेंगे, चलते हैं पढ़ाई करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके पहले कि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज, अभी से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। देखिए पहले डिफिनेशन इसका लिखते हैं, दोज स्टीरियो आइसोमर दोज स्टीरियो आइसोमर विच हैव डिफरेंट बिहेवियर towards plane polarized light is called optical isomer and this phenomenon is known as optical isomerism। ठीक है, कि क्या कह रहे हैं कि दो स्टीरियो आइसोमर विच हैव डिफरेंट बिहेवियर टूअर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। यानी कि जो ऐसे कंपाउंड जो PPL लाइट के थ्रू अलग अलग बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं,
चलिए इसको एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। चलिए यहीं पर रखते हैं इनको। जैसे मान लीजिए कि एक लाइट सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स हमारा सोडियम लैम्प का हो सकता है, या और ये क्या हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, और ये सनलाइट हो सकता है, यानी कि सिंपल सूर्य का प्रकाश हो सकता है। जब लाइट सोर्स यहाँ से चलेगा तो ये लाइट सोर्स अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है, अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। और इसका विशेषता आप जानते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट का विशेषता क्या होगा, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, ये ऑल लिखा है, ऑल डायरेक्शन, ठीक। ये देख रहे हैं सभी दिशाओं में ये वाइब्रेट कर रहा है। अब इस लाइट को हम लोग एक प्रिज्म से होकर गुजारेंगे और इस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म, इस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म। अब ये देखिए निकोल प्रिज्म जो बना होता है, ये बना होता है मेड अप ऑफ कैल्साइट। अब आप पूछेंगे कैल्साइट क्या होता है, तो कैल्साइट होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ना, ये निकोल प्रिज्म बना होता है। जब इस निकोल प्रिज्म से आग होकर लाइट गुजरता है तो जो लाइट ये अनपोलराइज्ड लाइट था, तो पहली बात ये पोलराइज्ड हो जाएगा, और दूसरी बात ये जो वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, ये केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, ये केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइट को हम लोग पोलरीमीटर ट्यूब में से होकर गुजारेंगे। अब ये पोलरीमीटर ट्यूब क्या होता है, पोलरीमीटर ट्यूब एक ऐसा ऑपरेटस होता है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। किस बात की ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि ये जो कंपाउंड दिया गया है ये इस लाइट को घुमा पाएगा कि नहीं घुमा पाएगा, क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, किससे हम लोग पता करेंगे, इस पोलरीमीटर ट्यूब से। ये है पोलरीमीटर ट्यूब जिसका लेंथ है L, और ये जो लेंथ है ये किस में होगा, डेसीमीटर में, ठीक है। और जिस कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है उसका सोल्यूशन बना के हम इसमें इस पोलरीमीटर ट्यूब में इसको डाल देंगे। ये मान लीजिए कंपाउंड है ना, सोल्यूशन बना के इस पोलरीमीटर ट्यूब में हम लोग कंपाउंड को डाल दिए हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो कंसंट्रेशन होगा कंपाउंड का, ये हम लोग कंपाउंड का सोल्यूशन बनाकर इसमें डाले हुए हैं, लेकिन जो कंसंट्रेशन है ये ग्राम पर सीसी में रखना है आपको। इस बात को आपको ध्यान देना है कि पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ डेसीमीटर में, और ये जो कंसंट्रेशन जिस कंपाउंड का हमको चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, उसका कंसंट्रेशन ग्राम पर सीसी में होना चाहिए। उसके बाद अब देखेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट तीन तरीके हो सकता है। ये हो सकता है कि थीटा क्या हो, जीरो हो जाए, जीरो डिग्री कहने का मतलब यह है कि जैसे लाइट पोलरीमीटर ट्यूब में आया
और वैसे ही ये पास कर गया, यानी कि इस तरीके से। ये देखिए इसी प्लेन में आया था और इसी प्लेन में पास कर गया। तब हम बोलेंगे ये जो कंपाउंड है, दिया गया कंपाउंड जो पॉलीमीटर ट्यूब में डाले हुए हैं, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये पीपीएल लाइट को न तो बाएं घुमा रहा है न तो दाएं घुमा रहा है। ठीक, अगर ये ठीक मानिए कि अगर ये थीटा बराबर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव का मतलब कि ये पीपीएल लाइट आया पॉलीमीटर ट्यूब में और ये कंपाउंड इस पीपीएल लाइट को, इसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट यही है। इस पीपीएल लाइट को जब निकलता तो ये दाहिने साइड घुमा हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन है, ध्यान रखिएगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो यानी कि कुछ इस तरीके का है। ये देखिए हमारा लाइट है, ये दाहिने तरफ घूम गया है और जब ये दाहिने तरफ घूम गया है, देखिए पहले क्या था, पहले इस तरीके से था, एक इस प्लेन में ऐसे था ना, एकदम सीधा सीधा था। ये भी देखिए यहाँ पर देखिए एकदम सीधा सीधा है, लेकिन अभी क्या है, दाहिने पॉजिटिव डेविएशन है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है और चूंकि ये पॉजिटिव घुमाया है तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लस, या इसी को बोलते हैं स्मॉल डी। याद रखिएगा कि मैं स्मॉल डी की बात कर रहा हूँ, और इसी को फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक, और एक कंडीशन और हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, कंडीशन बताइए। कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो थीटा हो ये हो जाए निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब कि ये पीपीएल लाइट आया पोलरीमीटर में से जब पास किया तो ये बाएं साइड घुमा हुआ है, तो बाएं साइड घूमेगा तो देखिए ये इस तरीके से बाहर पोलरीमीटर ट्यूब में से इस तरीके से निकल रहा है। यानी कि देखिए ओरिजिनल था कैसा, ओरिजिनल एकदम सीधा सीधा था, ये देखिए प्लेन पोलराइज लाइट था, एक ही प्लेन में सारे लाइट थे। अभी क्या हो गया है, ये लाइट को कंपाउंड ने दाहिने दिशा में, माफ कीजिएगा बाएं दिशा में, यह देखिए बाएं दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिए कि यहाँ पे जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ये क्लॉकवाइज रोटेशन को प्रदर्शित करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और जो लीवर इसको बोलते हैं देखिए स्मॉल एल या माइनस, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक, आई होप कि आपको बात को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने पहले क्या लिया, एक लाइट सोर्स लिया। लाइट सोर्स में हम लोग दो चीज़ रख सकते हैं, या तो सोडियम लैंप रख लें या तो सनलाइट रख लें। तो ये जो हमको लाइट सोर्स डायरेक्ट मिलेगा सोडियम लैंप से या सनलाइट से, ये अनपोलराइज लाइट है। इसको क्या बोलेंगे, अनपोलराइज लाइट है, और इनका वाइब्रेशन सभी दिशाओं में हो रहा है। अब इसको पोलराइज करने के लिए हमको इसको निकाल प्रिज्म से गुजारेंगे। निकाल प्रिज्म किसका बना होता है, कैल्साइट का बना होता है। कैल्साइट क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जब इस निकाल प्रिज्म से गुजारेंगे इसको, तो ये इसका जो लाइट जो सभी दिशाओं में वाइब्रेट कर रहा था, इसका वाइब्रेशन एक ही दिशा में हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक ही प्लेन में सभी लाइट पोलराइज्ड हो गया है। उसके आगे इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग पोलरीमीटर ट्यूब में से गुजारेंगे, जिसका लेंथ डेसीमीटर में और कंसंट्रेशन ग्राम पर सीसी में रखेंगे, और इसमें उस सोल्यूशन को भरेंगे, उस सोल्यूशन का इस कंपाउंड को भरेंगे, सोल्यूशन बना के जिसका हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है। अगर ये कंपाउंड इस पीपीएल लाइट को नहीं घुमाता है तो हम बोलेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ये चाहे दाहिने घुमा दें और चाहे इस लाइट को बाएं घुमा दें तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड जो इसमें हम लोग सोल्यूशन बना के डाले हुए हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो नहीं घुमाया, जीरो है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन अगर दिखाता है, दाहिने साइड रोटेट करता है या क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो ये होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या इसी को बोलते हैं प्लस साइन। और यही अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसको एल बोलते हैं, स्मॉल एल या माइनस साइन, और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग कि कौन कौन से कंडीशन है जब कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आप लिखिए कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल, कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर आपको टोटल दो कंडीशन देखना है आपको। पहला कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल शुड बी काइरल, मॉलिक्यूल शुड बी काइरल। काइरल का मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड बी काइरल। और सेकेंड कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। मॉलिक्यूल शुड नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, दैट इज कहने का मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो हाथ है पंजा है, ठीक है, हाथ एक इसका जो मिरर इमेज होगा ये नहीं होगा। कैसे, इसका ये दाहिना हाथ का पंजा है, आप बाएं हाथ पे जब उठा के रखते हैं तो क्या ये अंगूठे के सामने अंगूठा आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। लेकिन मॉलिक्यूल को काइरल होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर मैं आप पंजा बनाने की कोशिश करूं, तो देखिए एक देखिए पंजा इस तरीके का बनेगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, चलिए मान लेते हैं। अब ये मेरा आर्ट का सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर रहा है तो आप इसी से काम चलाइए। और ये देखिए मैंने इसके सामने एक मिरर रख दिया, ठीक है, और आप जब इसको बनाएंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्त कि अच्छा बन जाए, और अगर अच्छा नहीं बना तो हम लोग जो बनेगा उसी से काम चला लेंगे। ये देखिए, ये समझ लीजिए कि ये दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है। अब जब इसको उठाकर हम लोग इस पर रखेंगे तो देखिए ये अंगूठा इधर आ जाएगा ना, ये अंगूठा है कि नहीं, ये भी देखिए अंगूठा है। अब आपको केवल इतना सीखना है, आपका इमेज अच्छा बना बुरा बना इससे नहीं मतलब है, केवल आपको ये सीखना है कि दाहिने हाथ का मिरर इमेज आप बाएं हाथ पर रखेंगे तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं करेगा। लेकिन जैसे एक सर्किल है, देखिए
सर्किल ये हुआ, इसका मिरर इमेज क्या होगा, एक ये भी एक सर्किल होगा ना, छोटा बड़ा शायद बन गया, चलिए हाथ से बनाएंगे तो छोटा बड़ा बनेगा ही। तो अब देखिए सर्किल क्या होगा, अगर इस सर्किल को उठा के इस पर रखेंगे तो कम्प्लीटली सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एकाइरल है। कैसा है ये, एकाइरल, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो ये क्या होगा, ये हमारा कंपाउंड ये काइरल होगा, ये कैसा होगा, ये काइरल होगा और ये क्या होगा, एकाइरल। अब देखिए कह ये रहे हैं कि कौन कौन से कंडीशन होंगे, कंडीशंस फॉर ए मालिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहली बात तो यह कि मालिक्यूल शुड बी काइरल, काइरल का मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि उसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं कि मालिक्यूल शुड नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर। तो ये देखिए ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो है लेकिन ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोज, एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, इसलिए ये अकायरल है, और ये नहीं सुपर इम्पोज कर पाएगा इसलिए ये काइरल है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको लिख पाएँ। चलिए आप इसको नोट करिए, और कल हम लोग काइरल कार्बन के बारे में बात करेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आज तक हम लोग यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।